स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल। इसमें एजुकेशन से मुतालिक आपको हर किस्म की जो है तालीम प्रोवाइड की जाती है। कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट के मसले को क्या है हल किया जाए। मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं फिर दोबारा देखते हैं किसी बच्चे को कमेंट्स का जवाब ना मैंने दिया हो, ये मैं लाजमी देखता हूँ, ताकि ये इस वक्त क्योंकि इम्तहान में स्टूडेंट बड़े जो है घबराए होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कोई ऐसे जो उनकी मुश्किलों का हल कर सके। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो है ना हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एसेस की तरफ। तो ये भी मैंने सलूशन दे दिया ताकि बाल बच्चों को मजबूनी मिल रहे होते हैं। इसलिए देखिए, पहला जो आपको इंपॉर्टेंट है माई फेवरेट पर्सनैलिटी ऐसे है। अब माई फेवरेट पर्सनैलिटी में आपका लामा इकबाल भी आ सकता है और कायदे आज़म भी आ सकता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि अगर आप लोगों ने यहाँ से करना हो तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी डिपेंड करता है। अभी माय फेवरेट पर्सनालिटी में इसने यहाँ चीज़ें लिखी है, मैं आपको बता रहा था कि माय फेवरेट पर्सनालिटी में आप जी कायदे आज़म सॉल्यूशन भी साथ ले, ये देखिए उर्दू भी लिखी ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, कायदे आज़म ये बस यहाँ तक है, कायदे आज़म या लामा इकबाल आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से। तो माय फेवरेट पर्सनालिटी में आपके पास जो है कायदे आज़म आप लिख सकते हैं या आप लामा इकबाल का लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये लामा इकबाल ऐसे लिखा होगा, दोनों में से कर सकते हैं। तो ये एक सवाल आप लोगों ने करना है, ये मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि इसमें उन्होंने वैसे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हाँ जी कायदे आज़म का लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आपकी बुक में तो ये लाजमी होगा। तो माई फेवरेट पर्सनैलिटी में कोई भी आप दो लिख सकते हैं। उसके बाद माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये ऐसे लाहौर बोर्ड के भी हैं, गुजरात बोर्ड के और ऑल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो ये माई फर्स्ट डे एट कॉलेज है, ये भी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो स्टूडेंट यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया कि आप ईजी हो के ना, अगर नहीं है तो आराम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो ऐसे हो गए। तीसरे ऐसे में आपके पास आता है माई हॉबी का, ये भी आप लोगों ने करना है, ये वो इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। ठीक, इसी मैं स्लो स्लो करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो करके खुद से सीख सकते हैं। अच्छा जी, अगला ऐसे मेरे पास है अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, ये और पिकनिक पार्टी, ये दोनों सेम हैं। अगर आप लोगों ने अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस याद किया, पिकनिक पार्टी आ गया, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, देख लें ज़रा इसको, क्लियर, यहाँ पर भी आ जाए, ये पूरा इसका सोल्यूशन मैं इसे दिखा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो आराम से इसको याद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगले में आ जाए हाँ जी, एक ये मज़मून कभी आ जाता है सम वंडर्स और मॉडर्न साइंस। अब जो गैस के बारे से बता रहा हूँ कि सम वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, ये भी आ जाता होता है, इसको भी आप कर लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी ऐसे बताए हैं, अगर आप इसको मुश्किल लग रहा है छोड़ भी देंगे कोई मसला नहीं बनेगा, तैयारी आपकी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आप माई एम इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एम इन लाइफ तो आपका लाजमी आता है, वो आपने लाजमी करना है। ये देखिए बीच में कोटेशंस भी लिखी हुई हैं, आपकी बुक में भी सवाल लाजमी होगा। ठीक, उसके बाद है आपके पास आगे आ जाएँ, वाई आई लव पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई आई लव पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए एक दफ़ा पढ़ के ना अपने से लिखने होते हैं। अब मसला ये है कि आप वो बच्चों की ना ग्रामर बहुत कमज़ोर होती है, और ग्रामर कमज़ोर की वजह से ना वो अपने से जो है राइट नहीं कर सकते, सेल्फ राइटिंग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर भी आप लोगों ने करना है, कंप्यूटर भी आपसे इसको कर लें क्योंकि गुजरात वाला बोर्ड में आ जाता है, लाहौर में भी आता है, लेकिन गुजरात वाले में बहुत चांसेस आने वाले हैं, इसके अलावा दूसरे बोर्ड में भी। हाँ जी, उसके बाद है यूजेज एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, देखा जाए तो ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये गुने चुने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये करना है आपने, ठीक, और बस ये आपके ऐसे ख़त्म हो गए हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, वो मुझे बताने पड़ेंगे।
जो मैंने आपको पहले नोट्स दिए हैं उसमें से भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन वो आप लोगों ने करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इस बुक में नहीं है, मैंने आपको लिखवाया, तो टेक्निकल एजुकेशन आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं पूरा आपको अच्छी तरह से दिखा दूँ ताकि कोई मसला ना हो आपको। ये टेक्निकल एजुकेशन, और एक चीज़ आपके पास आती है, मेरे पास तो फिलहाल ये बुक पड़ी हुई है, को एजुकेशन का ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, को एजुकेशन का भी आ जाता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ से ही मज़मून स्टार्ट हो रहा है इधर से, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है, अगर आपके पास सूचना हो तो आप यहाँ से याद कर लें, सारी सारी लाइनें बेशक ना याद करें, मेन मेन जो है टॉपिक्स उठा के, लाइनें उठा के इसको आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बास का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे हो गए हैं, और जो गुजरा वाला स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, शायद यहाँ ना हो, मैं आपको बता दूँ, तो ये मज़मून आपने याद करना है। एक इसमें मज़मून है, आपको लिखाया होगा कि विलेज और सिटी लाइफ है, तो वो भी एहतियातन आप याद कर लेना, वैसे कोई चांसेस नहीं है इस बार आने के, लेकिन जस्ट रीड कर लेना। तो ये जो मैंने आपको ऐसे बताए हैं, इससे पहले मैंने आपको ऐसे के नोट्स दिए हैं, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आप लोगों को ईजी तरीके से मैंने करके दिखाया, आपको समझ आ गई होगी, और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि पेपर इंशाल्लाह जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ईजी है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, अगर कुछ समझना है तो आप सवाल करके मुझसे पूछें, आप स्किप करके देखते भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने देखी नहीं है, तो टाइम से आया कि बगैर आप लोगों ने करना है, तैयारी करना शुरू करें, और ईजी होकर तैयारी करनी है, टेंशन लेकर तैयारी नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।